सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम सुन लेते हैं पहले, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। सो वी अंडरस्टूड अ कंडक्टर एज अ पैसेज फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी वॉज कंडक्टेड। सो होता क्या था कि एक पैसेज था हमारे पास जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते थे, एंड जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते थे तो हम उन्हें कहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी is produced or sorry electricity is traveling through it or currents are traveling through it. Simply अगर इसमें कुछ hindrances हो कुछ रुकावटें हो तो इसका मतलब होता है कि ये flow को slow करेगा. These were known as resistance. Okay, resistance. अब इसे रोकने की वजह से since the free flowing electricity is stopping, इसे रोकने की वजह से जो effective energy यहाँ से मान लो यहाँ पे से इतनी सारी एनर्जी हमने भेजी लेकिन यहाँ पे इतनी ही एनर्जी है, तो हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट कैन जस्ट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन केमिकल रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन पास ऑन हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, और कुछ तो नहीं हो सकता। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंसेज है, रेजिस्टेंसेज के रोकने की वजह से you are producing a heating effect. तो जो हमारी excess, जो हमारी बची हुई energy है वो सारी किस form में बाहर आ रही है, heating effect में। तो this is the reason कि heating effect होता है, because there is an energy जो रुकने की वजह से conductor में electricity को रोकने की वजह से produce होती है। तो इससे हमें एक चीज तो समझ आती है कि अगर resistance ज्यादा होगी तो इसका मतलब है heating effect भी ज्यादा होगा, ठीक है। चलो नाउ विद दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेट्स स्टार्ट विद द हीटिंग। सो वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, द सेट दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन एंड द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ रेजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी। इट्स सिंपली एक्सप्लेनिंग कि एक बैटरी वर्क कैसे करती है। वी हैव आल्सो सीन इन सेक्शन 12.2 टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक बार पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देना है, इट हैज टू कंटिन्यूअसली प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, व्हाट डज दिस एनर्जी डू? A part of the source energy is maintaining the current may be consumed in useful work. ठीक है, मतलब अगर मैंने बैटरी यहां से लगाई तो इस बैटरी में जो एनर्जी प्रोड्यूस करी, मान लो इससे मैंने एक फैन लगा रखा है जो मैं रोटेट करना चाहता हूँ, तो मान लो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, मान लो इट्स रोटेटिंग, ठीक है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो इस सेल की कुछ एनर्जी तो इसमें यूज हो रही है, ठीक है। मान लो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी को किसमें मेजर करते हैं, जूल्स, ठीक है, 10 जूल्स एनर्जी ये बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसमें से मान लो 8 जूल्स एनर्जी तो ये फैन रोटेट करने में यूज हो रही है, लेकिन 2 जूल्स वेस्ट हो रही है, और वेस्ट किस फॉर्म में हो रही है, अभी पढ़ेंगे हम, हीट की फॉर्म में। ओके, चलो देखते हैं। So where does this energy go? A part of the source energy in maintaining the current may be consumed into useful work. Okay, rest of it may be expended in heat or raise the temperature of the gadget. Okay, we often observe that in everyday life. For example, an electric fan becomes warm if continuously used for a longer time. On the other hand, if electric circuit is purely resistive, that is the configuration of resistor is only connected to a battery, the source energy continuously dissipated entirely in the form of heat. अच्छा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट भाषा में सिंपली क्या बोल रखा है कि अगर हम एक सर्किट बना दे जिसमें हम कोई और अप्लायंस ना लगाए, सिर्फ एक रेजिस्टर ही लगा दे, तो उसका मेन काम ही क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो ये सारी की सारी एनर्जी जो बैटरी, मान लो अभी भी 10 जूल की बैटरी है, ये 10 जूल की बैटरी अभी भी अगर ये प्रोवाइड कर रही है, हम मानते हैं वायर्स की जो वेस्टेज है उसमें जीरो है, तो ये सारी की सारी 10 जूल्स हीट एनर्जी में ही जा रही है अगर हम रेजिस्टर लगा दे तो। अच्छा, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल आयरन एक्सेट्रा। तो हर वो चीज जिसमें हम हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं, दैट मीन्स एक सेकेंड,
हम बात कर रहे थे यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या हो सकते हैं. तो सबसे कॉमन एग्जांपल्स इसके कुछ होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल आयन. ठीक है, तो मैं जब भी आयन लिखूंगा मैं हमेशा इलेक्ट्रिकल ऐसे लिखूंगा, क्योंकि आपने देखे होंगे कुछ चारकोल भी यूज करते हैं, सबको पता है वो वाले, देखे होंगे आपने, मे बी आपके घर के आसपास कहीं पे होता होगा. ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल आयन यूज करते हैं, बिकॉज स्पेसिफिकली इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है टू हीट अप द बेस ऑफ द आयन. एनीवेज, नेक्स्ट क्या हो सकता है, हीटर सबसे कॉमन एग्जांपल. ठीक है, अभी हम काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं इसे. नेक्स्ट क्या हो सकता है, गीजर. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो सकता है और मे बी टोस्टर. टोस्टर और सोचो सर ग्रिलर. ग्रिल, ओके. और इलेक्ट्रिकल, अगेन इलेक्ट्रिकल ग्रिल. यस सर, इलेक्ट्रिक ग्रिल, ओके. और सोचो और सबसे भी मुझे आंसर चाहिए कुछ. कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग जो चीज हीट होती हो इलेक्ट्रिसिटी से? बहुत एग्जांपल्स होते हैं इसके, थिंक अबाउट इट. सर इलेक्ट्रिकल रॉड. रॉड, हाँ, मतलब वही गीजर की तरह ही, बट इलेक्ट्रिक रॉड. ठीक है, जनरली यूज टू बॉइल वाटर एंड मतलब काइंड ऑफ वर्क्स लाइक अ गीजर. तन्मय कहता है माइक्रोवेव. माइक्रोवेव इज नॉट एग्जैक्टली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. माइक्रोवेव इज सिंपली बेस्ड ऑन माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स के थ्रू वो चीजें हॉट करता, गर्म करता है आपके खाने से. माइक्रोवेव्स रिड्यूस पास करा के, नॉट एग्जैक्टली हीटिंग इफेक्ट. एनीवेज, माइक्रोवेव बोला है तो उससे एक चीज तो आपको याद आनी चाहिए थी, ओवन. ओवन इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट. और कोई अरे हीटिंग इफेक्ट क्या है किसी को नहीं पता? शर्म आनी चाहिए सर, जितने याद थे वो बता दी. और सब क्यों नहीं बोल रहे? एनीवेज, तो ओवन हो गया. एंड देन एक और चीज जो आप लोग सब मे बी यूज करते हो, हेयर ड्रायर. हेयर ड्रायर आल्सो यूज्ड फॉर सर स्ट्रेटनिंग मशीन. स्ट्रेटनिंग, हाँ, ये सारे इतने भी ये सारी चीजें होती है, सारे वर्क करते हैं. ड्रायर तो सारे टाइप के एंड एनीथिंग, तो बहुत सारे और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको. एनीवेज, बैक टू आवर डिस्कशन. कंसीडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर आर, रेजिस्टेंस आर. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बी वी. ठीक है, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच क्यू चार्ज फ्लोज अक्रॉस. द वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू. ठीक है, वर्क डन हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो इस केस में वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी इंटू क्यू. क्लोदिंग आयन, हाँ, इसका आयन. ओके, सो देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी टू VQ इन टाइम T, हेंस द पावर इनपुट इन अ सर्किट बाय सोर्स इज. अच्छा, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है कुछ. सबसे पहली बात, जो वर्क डन होगा इन द सर्किट वो कितना होगा, V इंटू क्यू. ठीक है, वर्क डन टू मूव, वर्क डन क्या है ये, वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V. ये होगा V इंटू क्यू. ठीक है, अच्छा, पावर क्या होती थी? पावर याद है किसी को क्या होता था? पावर का फॉर्मूला याद है किसी को? क्या, वन अपॉन वर्क डन डिवाइड बाय टाइम ही होता था? मुझे तो वो पता है, ऐसा यूनिट वॉट. वॉट होता क्या है? वॉट का वॉट बोलो, वॉट का मतलब क्या होता है? जूल्स पर, वॉट इज वॉट, द जूल पर सेकंड. जूल पर सेकंड, तो मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम. ओके सर, सो दिस इज वर्क डन व्हिच इज वी इनटू क्यू डिवाइडेड बाय टी. वॉट इज वॉट वर्क, दिस इज जूल्स पर सेकेंड. ओके, दिस सेकेंड जूल्स पर सेकेंड. तो बस
इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय टी। और हमें एक और बात पता है, वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय टी, चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स वी करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम इज, दिस इज चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, हमने पढ़ा था चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, तो V की जगह हमने Q अपॉन T की जगह हमने I लिख दिया, तो P के हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो V into Q divided by T, दूसरा क्या, P is equals to V into I, ओके, ओके, सो अब एनर्जी की बात करेंगे, हमने पावर की बात कर दी, अब ये एनर्जी की बात करेंगे, द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T इज P into T, ठीक है, तो एनर्जी सप्लाइड कितना है, P into T, एंड P हमें पता है क्या होता है, V into I. What happens when this energy is expended by the source? Thus the energy dissipated in the resistor as heat. Thus the steady through for a steady current I, the amount of heat produced in time T is, मतलब अब उन्होंने फॉर्मूला किसका दे दिया, हीट के लिए, हीट इज इक्वल्स टू पावर, हीट क्या है, एनर्जी है, ठीक है, तो अगर इन्होंने जैसे समझाया वैसे ही समझते हैं हम भी, तो मान लो एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी सिंपल क्या है कि पावर, ठीक है, इनटू टाइम विच इज सिंपली पी इनटू टी, ओके, सो पी हमें पता है वी इनटू आई है, इनटू टी एनर्जी हो जाएगा, और एनर्जी किस फॉर्म में है, हीट की फॉर्म में, तो दिस इज एच इज इक्वल्स टू वी आई टी, हीट एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करंट एंड टाइम, ठीक है, एंड दिस मेक्स परफेक्ट सेंस, यस सर, अगर अब इसकी सेंस थोड़ी सी लॉजिकल सेंस समझते हैं, हम हीट की बात कर रहे हैं, कितना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, तो हम अपना एक स्मार्टफोन लेते हैं एंड उस पर एग्जाम्पल सेट करके देखते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन जब हमने रेस्ट पे रखा हुआ से, तो उसकी वोल्टेज मान लो उसकी भी वोल्टेज कम है, मतलब नॉर्मली जितनी उसकी बैटरी है उतनी ही वोल्टेज वो यूज कर रहा है एंड नो प्रॉब्लम, जब हम उसे चार्ज कर रहे हैं, जब हम उसे चार्ज कर रहे हैं तो हम उसे सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम उसे पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहे हैं, मान लो हम किसी बड़े चार्जर चार्ज करते हैं सच दैट की पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, मतलब फोन फटने के चांसेस होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग इट अ हायर वोल्ट, अगर हायर पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो हम हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मेक्स परफेक्ट सेंस, इसी तरीके से अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे, अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो भी हीट इंक्रीज होगी, और अगर मैं इन दोनों चीज को कॉमन भी छोड़ दूं, लेकिन हम बहुत देर तक फोन चार्ज कर रहे हैं विद द सेम वोल्ट एंड करंट, तो भी अगर मैं ज्यादा देर के लिए फोन चार्ज करता हूँ तो फोन हीट होने लगता है, करेक्ट, तो ये तीनों ही चीजें लॉजिकल सेंस बनाती है कि अगर मैं इनमें से कोई भी एक चीज इंक्रीज करूं या तीनों चीजें इंक्रीज करूं तो हीट भी इंक्रीज होती है, ओके, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली ये यूज होंगे, अच्छा अब इन्होंने कुछ नहीं करा इसमें, एच इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी, अब वो चाहते थे कि हम रेजिस्टेंस को भी इसमें लाए, तो मुझे पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू आई आर, करेक्ट, वी इक्वल टू आई आर हमें पता है, तो हमने यहाँ पे या मान लो इसे मैं टू बुलाऊं, ठीक है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बुला लेते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ की जगह हम वी की अगर वैल्यू रिप्लेस करें, ठीक है, रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग वी, सर आई हैव वन डाउट, आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, एक सेकेंड, दिस इज आई स्क्वायर आर इंटू टी, अगर अब हम V की अब हम I को रिप्लेस करें, I सर, हाँ बोलो सर, भी साथ साथ में नोट करने का, अब टाइम लोगे नोट करने का, मैं दे दूंगा टाइम नोट करने, रोड पर, तो V I is equals to V upon R ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, तो अगर हम इसमें रिप्लेस, इस इक्वेशन में हम रिप्लेस V की जगह अगर मैं दूसरे पार्ट में यहाँ पे रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग I करूं अगर, तो अगर मैं I को रिप्लेस करूं तो H क्या हो जाएगा, V into V by R into T, तो this is V square by R into T, तो H के दो फॉर्मूले क्या है, H is equals to I square R T, okay, and H is equals to V square by R into T, ठीक है, तो हमारे पास दो आ गए, अब बोल रहे थे आज क्या बोल रहे थे आप, सर हमने ये पढ़ा था कि करंट और रेजिस्टेंस इनवर्टली प्रोपोर्शनल है, तो हाँ. जब हम करंट पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, हाँ. सर लेकिन जबकि रेजिस्टेंस जब बढ़ती है
तब हीट ज्यादा होती है। हाँ तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग नहीं हो गया? नहीं 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 ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इट विल व्हाट, ध्यान से देखते हैं। चलो ठीक है, ये है अगर हमारे पास, ठीक है ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड आर, करेक्ट। तो जितना ज्यादा हीट yes, होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो मेरी हीट भी बढ़ेगी, मेरा टेम्परेचर yes, बढ़ेगा। लेकिन इसमें इनवर्स है, मतलब अगर yes, मैं रेजिस्टेंस, इसमें ये देखो इनवर्स है ना, अपोजिट डिवाइड में एस साइड, तो एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर मैं एच को इंक्रीज करूंगा तो मेरा आर रिड्यूस होगा, फिर आर रिड्यूस करूंगा तब एच बढ़ेगा, करेक्ट। यस सर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें, इस केस में देयर इज कॉन्स्टेंट वोल्टेज, ठीक है, या फिर कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट है और मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो क्या क्या हीट बढ़ेगी, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट है एंड मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो हीट बढ़ेगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट इज, कॉन्स्टेंट क्या है, ओ सॉरी मैंने उल्टा, पोटेंशियल डिफरेंस उल्टा लिख दिया। मैं इस इक्वेशन में जब देख रहा हूं तो आई डोंट, इस इक्वेशन में मेरे पास कहीं पे भी वी है, वी की वैल्यू तो नहीं पता है मुझे, लेकिन अगर मैं एच और आर का रिलेशनशिप देखना चाहता हूं तो मैं आई को कांस्टेंट रखूंगा। तो यहां पे कांस्टेंट आई है, इस केस में हमें रिलेशनशिप देखने के लिए कांस्टेंट किसको रखना पड़ेगा, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर वी को रखना पड़ेगा। इसीलिए अगर करंट कांस्टेंट है एंड मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो फिर हीट बढ़ेगी, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है एंड मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो हीट बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ के देखते हैं। तो अगर मैं सर, हमने लास्ट लाइन क्या बोली, क्या सर, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है एंड मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो हीट भी बढ़ेगी, ओके। हम इस तरीके से समझते हैं इसको। एक चीज होती है जो आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, लेकिन उनमें तो इनवर्स रिलेशन है। किसके बीच में? अरे उल्टा बोल दिया होगा, मतलब जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा है कि अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हीट कम होगी, ठीक है। मे बी फ्लो में मैंने उल्टा बोल दिया। एनीवेज, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के बारे में समझ के देखते हैं, इससे आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा कि ये क्यों होता है। नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्ट्स, नॉट एट ऑल रिलेटेड टू साइंस और एनीथिंग, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्ट्स। हम समझ के देखते हैं, स्टार्ट्स में बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट होता है इसलिए आपको मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो इमेजिन करते हैं, एक सेकंड रुको, एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर। आप उससे पहले एक चीज बता सकते हो बस जल्दी सर, आपने एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाय आर में किसको रिप्लेस किया? आई, हमने आई को रिप्लेस करा था इसमें, इसमें से आई को रिप्लेस करा था। तो हमारे पास ओके सर वी अपॉन आर आया, तो देन हमने मल्टीप्लाई करा वी स्क्वायर बाय ओके। अच्छा, कंपाउंडिंग वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ एंड देन सोच के देखना उस बारे में, ठीक है। मान लेते हैं एक सिटी की बात करते हैं, ठीक है, एक छोटी सी सिटी की बात करते हैं। मान लेते हैं कि दो सिटीज है, सिटी ए एंड सिटी बी, ठीक है। सिटी बी में बहुत सारे, सिटी बी में बहुत सारे मर्डर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1000 मर्डर्स होते हैं पर ईयर, ठीक है। एंड सिटी बी में मान लेते हैं हम 500 मर्डर्स होते हैं पर ईयर, ठीक है। तो अगर मैं यहां बात करूं तो इस सिटी में ऑब्वियसली ज्यादा पुलिस होनी चाहिए, करेक्ट। मतलब अगर ज्यादा क्राइम होता है सिटी ए में, ज्यादा पुलिस होनी चाहिए, तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 पुलिस यूनिट्स है एंड यहाँ पे 5 पुलिस यूनिट्स है, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं देखना चाहता हूँ, डायरेक्ट रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोग रिलेशनशिप की बात करो तो मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी ज्यादा पुलिस होती है, ठीक है, जितनी पुलिस ज्यादा यूनिट्स है उतना ज्यादा क्राइम है, ठीक है, मतलब उतनी ज्यादा उतनी ज्यादा डेथ्स है एक तरीके से, ठीक है। तो क्या इसको देख के हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है? डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है, लेकिन दिस इज कॉजिंग दिस, मतलब अगर ज्यादा पुलिस यूनिट्स है, डज दिस मीन कि ज्यादा डेथ होंगी? डजंट मेक सेंस। सोच के देखो,
वो कह रहे हैं कि कोरिलेशन तो है ना इन दोनों के बीच में, कोरिलेशन मतलब सिंपली डायरेक्ट रिलेशनशिप तो है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, मतलब अगर ये 5 to 1000 हुआ तो ये 5 to 10 हुआ, सेम जो हम रेजिस्टेंस और इसमें बात कर रहे हैं कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो दोनों से लिंक्ड होते हैं, टेक्निकली ये दोनों क्राइम से लिंक्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर क्राइम बढ़ता है तो दोनों चीजें बढ़ेंगी, मतलब क्राइम दोनों से रिलेटेड है, अगर क्राइम बढ़ रहा है मतलब कि नंबर ऑफ डेथ्स भी बढ़ेंगे, अगर क्राइम बढ़ रहा है तो मतलब पुलिस यूनिट भी बढ़ेंगे, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड क्यों थे, क्योंकि एक तीसरे वेरिएबल से रिलेटेड थे जो था क्राइम था। इन द सेम सेंस अगर हम यहाँ पे आते हैं एंड नाउ वी सी इट कि रेजिस्टेंस क्यों दो तरीके से एक्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल इस केस में एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आ रहा है रेजिस्टेंस बढ़ने से एच बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, करेक्ट, V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, करेक्ट, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, एंड हमने एच का हीट का क्या पढ़ा था, V I into T, मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो V बढ़ेगा एंड V बढ़ेगा तो H भी बढ़ेगा, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि ये एक वोल्ट बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब इस केस को देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास क्या है कि एच हीट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, हीट और रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट है, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट है मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ, ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाता हूँ एंड पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्स्टेंट है, मान लेते हैं दोबारा से V इक्वल टू आई आर, ठीक है, लेकिन अब मैं V को चेंज नहीं कर सकता, तो कोई कॉन्स्टेंट है तो मान लो उसको 2 मान लेते हैं, कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, तो 2 अपॉन आर इज इक्वल टू आई, तो अगर मैं इसको आर को इंक्रीज करता हूं तो ऑब्वियसली मुझे आई रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इस केस में अगर आर इंक्रीज हो रहा है मतलब आई रिड्यूस हो रहा है, एंड अगर आई रिड्यूस होता है तो अगेन वी एच इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, आई रिड्यूस होगा तो एच भी रिड्यूस होगा, तो अंडरलाइंग वेरिएबल किसकी वजह से, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से हमारी क्या चीज हीटिंग इफेक्ट का इंक्रीज होता है, एंड इस केस में रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से क्योंकि करंट रिड्यूस होगा पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज नहीं कर सकते इसलिए हीटिंग इफेक्ट भी कम होगा, समझ आई? यस सर। तो दिस इज द रीजन, इसलिए मैंने आपको कंफाउंडिंग वेरिएबल से कहा, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड याद रखना इससे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखोगे कि कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैराथन में भागने वाले लोग, ठीक है, हर ईयर 10,000 बढ़ रहे, ठीक है, पर ईयर 10,000 बढ़ रहे, एंड हर ईयर रेन भी 10,000 सेंटीमीटर्स क्यूबिक सेंटीमीटर से बढ़ती है, दिस डज नॉट मीन कि इन दोनों के बीच में परफेक्ट रिलेशनशिप है कि हर साल अगर रेन भी बढ़ रही है एंड क्या बढ़ रहा है, मैराथन रनर्स भी बढ़ रहे हैं, बस दिस डज नॉट मीन कि इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन है। ये नहीं कह सकते कि अच्छा बारिश ज्यादा हो रही है इसलिए ज्यादा लोग मैराथन में भाग रहे हैं, या फिर अगर मैराथन में ज्यादा लोग भाग रहे हैं इसलिए ज्यादा बारिश हो रही है, दैट डज नॉट मेक सेंस। तो हर चीज जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स डज नॉट मीन कि उन चीजों का रियल लाइफ में कोई भी रिलेशन हो, दिस मीन्स दैट नॉट एवरीथिंग दैट्स कोरिलेटेड मीन्स कॉजेशन, दिस इज समथिंग यू लर्न इन सीनियर क्लासेस and it is very interesting, जिससे आप समझोगे डेटा को manipulate कैसे करा जाता है, that is what people do in stock market and analysis and in a lot of things when you are fooled just at looking data and using complicated words. Anyways, back to our topic science, तो हमने दो formulas सीखे and दो relationship समझे कि कैसे heat दोनों directly and inversely related resistance के depending upon कि हम कौन सा formula use कर रहे हैं, किस चीज को हम constant रख रहे हैं। अच्छा, एनी केस अगर सबको समझ आ गया तो अपनी रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है, अच्छा ओ माय गॉड जूल्स लॉ भी गया, दिस इज नोन एज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। This law implies that heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current of a given resistance and directly proportional to the resistance of a given current. And third, directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. Okay. In practical yes, situations, sir. When electrical appliances connected to a known voltage source,
इज यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग करंट इन इट यूजिंग रिलेशन आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर. तो इन्होंने बस एक स्टेडी करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है कि इसमें आप कोई बल्ब नहीं लगा रखा है, आपने कुछ भी नहीं लगा रखा है, आपने सिंपली एक रेजिस्टेंस लगा रखी है. Rather than resistance को generally क्या in a lot of situation resistance क्या माना जाता है कि मतलब वो hindrance provide कर रही है. तो हम for example अगर bulb का circuit बनाए तो हम resistance लगाते हैं तो हम ये देख रहे हैं उसमें कि इसकी वजह से bulb की intensity में कितना decrease या increase जो भी होगा, ठीक है. लेकिन इसमें purely resistive circuit का simple मतलब है इसमें सिर्फ एक resistance लगा हुआ है, एक resistor लगा हुआ है बीच में, nothing else. Okay? अच्छा तो उसमें तो power waste हो रही होती है ना. You could say that, but purely आपका हीटर भी फिर पावर की वेस्टेज होगा अगर इस लॉजिक से जाए तो, because उसमें भी कुछ नहीं होता but resistance ही होते हैं. Yes sir. Okay. Now try to solve this question. Example 12.10. Sir, I have one more doubt. बोलो. Sir, can you scroll up? Sir, in the beginning only. Yes sir, here only. Sir, in this it is sir you have written that 10 joules of energy is supplied. However, the fan only needs 8 joules of energy. No, it does not need. It is getting only 8 joules. It's not like it needs. Okay, it. Sir. Getting sir, 8. So when I did this experiment practically, not taking fan, but taking an LED and using a very high power battery. Okay. Sir, it blasted. Yeah, it will blast because if ये बात याद रखना, if you're not giving it current more than the required amount, it will blast. Okay? एक अगर potential. So here it will also. See, आपको अभी आपने heating effect के बारे में पढ़ा, ठीक है? आपने H को क्या देखा? H को देखा आपने is equals to V I into T, ठीक है? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आपकी हीटिंग इफेक्ट जो है वो लिमिटेड रेंज, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा करंट प्रोवाइड कर देते हो किस चीज को तो ब्लास्ट कर जाएगा क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होगी. सिमिलरली अगर आप बहुत ज्यादा वोल्ट प्रोवाइड कर देते हो किस चीज को, अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हो तो भी वो ब्लास्ट हो जाएगा. दिस इज अ वेरी वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ दिस इज द थिंग आई एम डूइंग राइट नाउ. आप में से एक भी ऑफलाइन आया होता तो यू विल नोटिस कि आई फॉरगॉट माय चार्जर. ओके, आई फॉरगॉट माय चार्जर, तो आई पिक्ड अप अ चार्जर ऑफ अ गेमिंग लैपटॉप. Now I'm very tensed about it because उसकी जो power output है, उसका power output है, 19.5 volt, 7.7 ampere. Okay, but what I require is 19.7 volt, 3.5 ampere. So the moment I connected, I know कि मुझे इतनी ज्यादा current मिल रही है तो there are high chances कि वो मेरे laptop को harm कर सकता है. This is the reason कि it is recommended कि आप दूसरे charges मत use करा करो. But there is yet another concept जो हमारे charges होते हैं, adaptive charges होते हैं, for example phone charges होते हैं, they can adapt to it, different voltage and different currents. So how does that work is a little more complicated than it, but understanding electricity would help you out in a lot of real life situations. Remember that. Anyways. Back to the question, सब try करेंगे. जगबीर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो. I'll scroll down whenever you want to. ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है. चलो ये देखते हैं 12.10 क्वेश्चन में क्या है. एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट. तो पावर कितनी दे रखी है, 840 वॉट. ओके, व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम, व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट द 360 वॉट पर मिनिमम है. अच्छा, मैक्सिमम पे, मैक्स पे 330 वॉट एंड पावर इज इक्वल्स टू 360 वॉट मिनिमम पे. ओके, यस सर. द वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट. व्हाट इज द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस. ठीक है, तो P1 P2 लेते हैं. अच्छा, हमें पता है P इज इक्वल्स टू V
इंटू, एक सेकेंड, P इज इक्वल टू V इंटू I, करेक्ट? यस। सो पी वन, ठीक है, पी वन इज इक्वल टू, पी वन इज इक्वल टू, एक सेकेंड, V इंटू I वन, ठीक है। सो पी वन कितना दे रखा है आपको, 840 इज इक्वल टू V 220 इंटू I वन, तो I वन कितना आ गया, 840 बाय 220, कितना है अप्रोक्सीमेटली, बोलो, 3.82, ओके, 3.82 एम्पियर। अच्छा, अब नाउ वी हैव करंट एंड वी हैव पोटेंशियल डिफरेंस, सो रेजिस्टेंस आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ, ओके, सो वी विच इज 220 is equals to I which is 3.82 into R, okay, correct, so R is equals to 220 divided by 3.82 or 3.82 ki jagah aap ye bhi likh sakte ho 220, nahi wo fark nahi padega, anyways to ise calculate karo, answer kitna aa raha hai sir, ye main solve nahi kar paya tha, कोई नहीं सॉल्व, तो इसमें तो फिर कैलकुलेशन ज्यादा सिंपल, वो कैलकुलेशन ही करनी है, तो नहीं सर, मैंने दूसरे मेथड से किया, मैंने p is equals to v square by r लगाया, अच्छा p is equals to v square by r, सर तो उससे मेहनत की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत की जरूरत, यस सर, सिंपली इससे कर लो, हो जाएगा, ओम्स लॉ से आ रहा है, आर कितना आ रहा है जल्दी सर, 134 ओम, 134, अरे ये पार्ट का बोल रहा हूँ, ये पार्ट कर रहे हैं पहले सर, उसका आ रहा है 57.6 आ रहा था उसमें, तो मैंने 58 ले लिया था, 57.6 ही आने दे, अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं, बी पार्ट देखते हैं, नाउ बी पार्ट में हमें पावर कितना है, पावर पी टू इज इक्वल टू वी इंटू आई टू, सो पी टू कितना दे रखा है, 360 इज इक्वल टू वी विच इज 220 इंटू आई टू, तो I2 कितना आ गया, I2 is equals to 360 by 220, okay? इसकी वजह 1.64 1.64 ampere, okay? Now हमें पता है according to Ohm's law V equal to IR, ठीक है? तो V is 220 is equals to I 1.64 into R2, ठीक है? ये R1 है, अच्छा, तो 220 by 1.64 is equals to R2. R2 कितना आया? 134. कितना बोला था आपने? 134 point? Sir, 134 मेरा आया था. 134 आया था, okay. और किसी का कुछ डिफरेंट आया था? सर मैं रेजिस्टेंस वाले नहीं कर पाया था, कोई नहीं, 134.15 ओम, ओके, दीज आर योर आंसर्स, 3.82, 57.6, 1.64 एंड 134.15, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो सर, हाँ बोलो सर, वैसे इसकी डिवीजन करेंगे कैसे, मतलब क्लासिक डिवीजन इसमें और क्या, मतलब पहले सिंपलीफाई करो सर, एक मिनट जरा क्वेश्चन दिखा दो सर, सिंपलीफाई करने के लिए ऊपर भी तो पॉइंट होना चाहिए ना, मतलब इसमें तो ऊपर पॉइंट था नहीं, नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है, दिस इज 2200 डिवाइड बाय 164, बस इसको डिवाइड कर दो आ जाएगा आंसर सर, वो तो वैसे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में आएगा ना बेटा, कट करोगे फिर सिंपल, उसके बाद फिर डिवाइड करो, डिवाइड डिवीजन ही तो करना है, सिंपल डिवीजन नहीं करनी इसमें, डिवीजन ही तो करनी है, सिंपल डन, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12.11 एग्जांपल 12.11 ट्राई करेंगे सब, आई रियली कैन आस्क समवन टू send the answer on the group and बहुत embarrassing होगा, नहीं करोगे तो please कर लो,
10 joule of heat is produced and each resistor of 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. Okay. So 100 joule of heat is produced. So H kitna hai? H is equals to 100 joules is produced each second. Matlab time kitna hai? Each second, 1 second. In a 4, achha, haan, each second in 4 ohm resistor. So R kitna hai? 4 ohm. Okay. Find the potential difference across the resistor. H is equals to, humne padha tha, V square by R into T. So H, which is 100, is equals to V square by 4 into 1. So 400 is equals to V square. V is equals to 20 volt. ठीक है? Clear है सबको? Yes sir. Sir मैंने तो सिर्फ basic formula याद करा है. ठीक. सर उससे बन जा रहे हैं सारे. Good good good. By the way, काफी books में I can notice कि इन्होंने ऐसे कर रखा है V is equals to I square R into T. एंड इसका सिंपल सा रीजन क्या है कि यहाँ पे वो रीजन दे सकते हैं, ये क्या है, जूल्स लॉ हीटिंग. हाँ, जूल्स लॉ हीटिंग. तो इसीलिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर पा, ये फॉर्मूला यूज करके फिर उसके बाद उन्होंने वी निकाल दिया आई यूज करके. तो दिस इज द ओनली रीजन. आप काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे सर ये जरूरत क्या थी पहले करंट निकालने की, ठीक है, फिर उसके बाद भी, क्योंकि उन्होंने ये रीजन देना था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वरना आपका मेथड भी बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं. सर डन. सर ये वाले करने हैं अभी क्या? हाँ चलो ठीक है, विंडेक्स क्वेश्चंस ट्राई करो एक बार, फिर वो डिस्कस करेंगे. इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई एन इलेक्ट्रिकल हीटर डज नॉट ग्लो, नहीं उसका कॉर्ड नहीं ग्लो करता है, उसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो करता है. इसका रीजन क्या होता है कि हमने पढ़ा है H is equal to क्या पढ़ा था हमने, आई स्क्वायर डीआईटी, ठीक है, I square R. तो मतलब इसका मतलब है हीट और रेजिस्टेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि हमें जो इनलेट से पावर सप्लाई मिलती है वो 220 वोल्ट ही मिलती है. तो अगर हमें 220 वोल्ट ही मिलती है जो कि फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि फिक्स्ड वोल्ट है, एंड हमें एक, अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू देखना चाहता हूँ गिवन की इलेक्ट्रिकल जो आपका हीटर है वो सेम करंट ड्राइव करेगा ऑल थ्रू आउट, तो सेम करंट फ्लो करेगा उसके सर्किट के थ्रू. तो अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस किसकी, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट की रेजिस्टेंस ज्यादा है, एंड कॉर्ड इज सपोज टू बी अ कंडक्टर, अ गुड कंडक्टर, तो उसकी रेजिस्टेंस कम है. इसी वजह से इसमें जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो बहुत ज्यादा है एंड इसमें जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो बहुत कम है. तो दिस ग्लोज एंड दिस डज नॉट ग्लो. क्लियर है सबको? तो अगर मैं आपको आंसर सुनाऊं तो इसका होगा कॉर्ड एंड इलेक्ट्रिक आयन आर जॉइंड इन सीरीज एंड कैरी द सेम करंट व्हेन जॉइंड टू द सेम टू अ वोल्टेज सोर्स. अ रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड इज एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ हीटर, हेंस द हीट प्रोड्यूस्ड एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इनटू टी इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन कॉर्ड बट मच लार्जर इन हीटर एलिमेंट. सो द हीटिंग एलिमेंट बिगिंस टू ग्लो एंड द कॉर्ड डज नॉट ग्लो. क्लियर है सबको? यस सर. ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम द हीटिंग इफेक्ट पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओह, दो क्वेश्चन और है, दो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. कंप्यूट द हीट जनरेटेड बाय ट्रांसफरिंग 9000 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट. ठीक है, तो या तो आप आई निकाल देखो. चलो ठीक है, हमने पढ़ा एच इज इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू टी. तो हमें दाश ने क्या आइडिया दिया, सर आई को रिप्लेस कर लेते हैं ना, तो वी इंटू आई इज क्यू डिवाइडेड बाई टी इंटू टी. ठीक है, सिंस चार्ज इज आई, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम. ओके,
तो क्यू टी टी से टी कट गया तो वी इंटू क्यू इज इक्वल टू एच. तो एच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट इंटू चार्ज कितना है, चार्ज कितना है 96,000 कूलम. ठीक है, वोल्ट इंटू कूलम. तो ये कितना आ गया आंसर आपका 48 लाख जूल्स. अच्छा 48 लाख जूल्स. ठीक है, यस सर. ओके, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.8 × 10^6 जूल्स. 0.8 × 10^6 जूल्स. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? बस इसको मल्टीप्लाई तो करना था. yes. ठीक है, यस सर. ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन, सो इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू 20 ओम एंड करंट इज 5 एम्पीयर. कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकंड्स. टी इक्वल्स टू 30 सेकंड्स. बहुत ही सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है. एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, स्क्वायर आर टी, फाइव स्क्वायर इंटू 20 × 30 25 × 20 × 30 25 × 2 = 50 50 × 3 = 150 15,000 1.5 × 10^4 जूल्स. जूल्स, हाँ या यू कैन राइट इट 1.5 × 10^4 जूल्स. ठीक है, यस सर. ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो है, हाँ अभी करेंगे वो भी, जो उसके पार्ट है. सो द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इनएविटेबल मतलब कोई नहीं रोक सकता उसको. ठीक है, इन मेनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल एंड इट कन्वर्ट्स टू यूज, हाँ इट इज अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट्स टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट. मतलब वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज करी जा रही है, इसकी वजह से काफी इक्विपमेंट्स में हीट की जरूरत नहीं होती एंड इट इज अ वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. In electric circuits, the unavoidable heating can increase the temperature of components and alter their properties. However, heating effect of electric current has many useful applications. The electric laundry iron, electric toaster, electric oven, electric kettle, and electric heater are some of the familiar devices based on Joule's heating. The electric heating is also used to produce light. As in an electric bulb. So electric bulb में क्या work करता है कि this is a, there is a filament, ठीक है, there is a filament जो heat होता है and then enough heat करने के बाद वो glow करने लगता है, which due to which हमें light दिखती है. So here the filament must contain as much of the heat generated as possible so that it gets very hot and emits light. It must not melt such at high temperature. मतलब इसका melting point high होना चाहिए. तो इसीलिए इसका melting point, इसे tungsten लिया जाता है because उसका melting point बहुत ज़्यादा है, which is 3380 degree Celsius for making bulb filament. The filament should be thermally isolated as much as possible using the insulating support. The bulbs usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament. अच्छा, अगर टंगस्टन हीट होने के बाद नॉर्मल एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करने लगेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो सकती है, केमिकल रिएक्शन अंडरगो कर सकता है जो कि फायदा नहीं होगा. इसीलिए बल्ब के अंदर हम नॉन रिएक्टिव गैसेस भरते हैं, जो कि कौन कौन से गैसेस के एग्जांपल दिए गए इन्होंने, नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस, प्रोलॉन्ग करने के लिए लाइफ ऑफ फिलामेंट को. मोस्ट ऑफ द पावर इज कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर्स हीट बट अ स्मॉल पार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड. ठीक है, इसीलिए दिस इज नॉट एफिशिएंट. अगर आपको पता हो तो बल्ब की जो लाइट, बल्ब से जो लाइट एमिट होती है, इट इज नॉट एफिशिएंट. एफिशिएंसी मतलब समझते हो कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाई और कितनी लाइट एनर्जी मिली उसके लिए. सिंस बल्ब फिलामेंट इज अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, द
तो उस टाइम पे हमने क्या, उस टाइम पे क्या यूज होते थे जनरली, उस टाइम पे यूज होते थे बल्ब के फिलामेंट, जिसमें ज्यादा मेजोरिटी पार्ट हीट में कन्वर्ट होता था लेकिन बहुत स्मॉल पार्ट लाइट में कन्वर्ट होता था, बट दैट वाज द ओनली टेक्नोलॉजी वी हैड. Currently we have much better technology. For examples, उसके बाद CFCs आए, okay? Sorry, CFC, for CFLs आए, tube lights आए, and then eventually फिर LEDs आने लगी, which is the most efficient. So LEDs are the most efficient ones. Okay. Another common application, just by the way, in my time जब मैंने chapter पढ़ा था, तब LED commercial use के लिए इतने ज़्यादा available नहीं थे. We did not use commercial LEDs in our homes at that time. इतने ज्यादा फेमस नहीं थे वो, तो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट टेक्नोलॉजी कि वो बहुत फास्ट पेस पे कवर अप कर लेती है. अब आई थिंक ऑलमोस्ट हम सबके घर पे एलईडी लाइट्स ही होंगी, अगर कोई भी लाइट होंगी तो. अच्छा, अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स. इट प्रोटेक्ट्स सर्किट्स एंड अप्लायंसेस फ्रॉम स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली इलेक्ट्रिक करंट. द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ wire made of metal or an alloy of appropriate melting point, which is generally said to be a low melting point. मतलब उसका melting point बहुत ज़्यादा high नहीं होना चाहिए. We want the circuit to break at a higher voltage or at a voltage fluctuation. जब ज़्यादा हो जाए तो हमारे electrical appliances harm ना हो. इसीलिए this melts the fuse wire and अच्छा एक second. Alloy of appropriate melting point, for example, aluminium, copper. तो कौन-कौन से? Aluminium, copper, lead, etc. If the current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. This is how it works. The fuse wire is usually encased in the cartilage of propylene or similar material with metal ends. This fuse is used in domestic purposes rated at 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere. For an electrical iron which consumes 1 kilowatt electric power and operates in 220 volt, a current 1000 by 220 ampere, that is 4.5 ampere, will flow through the circuit. So in this case, a 5 ampere fuse must be used. तो अगर 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑपरेट करता है 220 वोल्ट के एक इलेक्ट्रिक फ्यूज को, तो इस फ्यूज में, इसके फ्यूज में, मतलब इफ यू नो तो काफी सारे इक्विपमेंट्स में भी फ्यूजेस लगे होते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग हार्म बाय हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी और अ लॉट ऑफ करंट विच माइट डिस्ट्रॉय द अप्लायंस. तो समझ के देखते हैं एक और बार फ्यूज कैसे वर्क करता है. तो हम किसी भी, मान लो 220 वोल्ट सप्लाई लाइन है हमारे पास, ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई लाइन है हमारे पास, इसमें से हम जो हमारी लाइव वायर होती है टेक्निकली हमेशा उसी में यू पुट इन अ फ्यूज, ठीक है, यू पुट इन अ फ्यूज. फ्यूज इज अ वेरी थिन वायर विद अ पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, ठीक है. एंड रेजिस्टेंस क्यों? बिकॉज अगर इसमें मान लो देयर इज अ टॉलरेंस ऑफ 5 एम्पीयर, ठीक है, मान लो 5 एम्पीयर की टॉलरेंस है इसमें, ठीक है, तो जैसे ही करंट 5 एम्पीयर से ज्यादा बढ़ेगा, मान लो यहाँ पे, मान लो रेजिस्टेंस इसमें और कुछ तो चेंज होगा नहीं, 220 वोल्ट सप्लाई इज अप्रोक्सीमेटली 220 वोल्ट, ठीक है, वो हमेशा 220 नहीं होती है, तो अगर मान लो 220 की जगह 260 वोल्ट आने लगते हैं तो आई बढ़ जाएगा, एंड मान लो आई इतना बढ़ जाता है कि 5 एम्पीयर से ज्यादा हो जाता है तो ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा. ये फ्यूज ब्रेक करने की वजह से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, इट विल एक्ट लाइक एन ओपन स्विच, तो इसीलिए करंट फ्लो नहीं करेगा आगे और हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस को, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने फ्रिज लगा रखा है एंड कुछ और लगा रखा है, उन अप्लायंसेस को वो हार्म नहीं करेगा. दिस इज द पर्पस ऑफ फ्यूज. आज की डेट में आई डोंट थिंक एनीवन यूजेस फ्यूज. अब एमसीबीज यूज होते हैं, एमसीबी स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. ब्रेकर तो इसमें जब एक इनफ अगर वोल्टेज के ऊपर करंट फ्लो करता है या फिर इनफ अगर आई की वैल्यू एक्सीडिंगली ज्यादा हो जाती है जितनी टॉलरेंस होती है उससे, तो दिस सर्किट अपने आप क्लोज ओपन हो जाता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो एंड देन यू हैव टू स्विच ऑन द एमसीबी. अगर आपके घर पे कभी भी ऐसा हुआ होगा कि एक्सेस सप्लाई हुआ होगा तो यू विल हैव टू स्विच मैन्युअली स्विच ऑन द एमसीबी, बट जनरली वो हमेशा ही वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली वो सर्किट ब्रेक कर देते हैं. देन यू हैव टू स्विच ऑन द एमसीबी टू अगेन सप्लाई द करंट. तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वर्क्स इन दिस वे. पहले
सब पहले जब एक दो बार मेरे घर पे एमसीडी डाउन हो गई, पता डर गया था कि कुछ हो गया बहुत बुरा। और वो भी मैं ऐसे करता था कि कंप्यूटर का मतलब जो पीसी का प्लग होता था उसे निकालता था, उसे दोबारा लगाता था, एमसीडी डाउन आ जाती थी। मैं बहुत बुरे तरीके से डर जाता था कि गया अब तो। होता है होता है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको करा देता हूँ, जो हमने एक बार बहुत डिटेल में करा था जब पहली बार करा था, बट अभी सिंपली कर लेते हैं शॉर्ट। सर वैसे आप ये करा चुके? क्या चीज? सारी चीजें पावर पावर। हाँ मतलब करा तुम सब कुछ ही चुका हूँ, अभी दोबारा भी कर चुके। सर आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया है, अभी थोड़ी डिटेल में और करेंगे पावर। इन एनी केस पहले हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट समझते हैं। शॉर्ट सर्किट का सिंपल मतलब होता है, आपने बहुत कॉमनली यूज करा होगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पाथ होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पाथ होता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने का। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बल्ब लगा दूं मैं, एक तो एक ही पाथ है यहाँ से बन रहा है जो कैसे फ्लो कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे फ्लो कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू इट्स डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल बैटरी से अगर इलेक्ट्रिसिटी को बल्ब तक जाना है उसे ग्लो करने के लिए, इट विल ट्राई टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। तो कभी कभी क्या होता है, वेन यू कनेक्ट टू एंड्स ऑफ अ वायर, ठीक है, तो वो उसका अब उसके लिए अब शॉर्टेस्ट पाथ ये बन चुका है, ठीक है, उसके लिए अब शॉर्टेस्ट पाथ ये बन चुका है। एंड मेजोरिटी ऑफ द केसेस जब आप डीसी करंट यूज कर रहे हो, डीसी इज वॉट, डीसी इज सिंपली पॉजिटिव नेगेटिव, जो आप बैटरीज में यूज करते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। AC is different. AC has a live or neutral wire. अगर हम थोड़ी सी डिटेल में जाए तो DC is a direct current. It has a simple chart like this. And AC is a alternating current which alternates between positive and negative. This is the reason कि वो ऐसे उसका chart बनता है. And काफी सारे इसके applications होते हैं. अगर आप थोड़ी डिटेल में जाओगे तो हम जो fan देखते हो आप, जो पंखा देखते हो आप, पंखे में एक equipment लगा होता है which is known as a capacitor. कैपेसिटर लगा होता है उसमें। कैपेसिटर क्या क्यों वर्क करता है, क्योंकि अगर आप पंखे को देखो, अगर अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ऐसे डीसी एसी ऐसे फ्लो करता है तो पंखा कभी आपका एक बार लेफ्ट जाएगा एक बार राइट जाएगा, विच वुड नॉट नॉट सॉल्व इट्स पर्पस ऑफ रोटेटिंग कंटिन्यूसली एंड प्रोवाइडिंग यू एयर। तो इसलिए कैपेसिटर होता है कि ये स्टोर कर लेता है चार्ज इस टाइम पे वो होता है, एंड देन इसे कंटिन्यूस एक फ्लो देता है फैन को ऑफ रोटेटिंग। In any case, these are not exactly in your course, but things you should understand and remember. So short circuit is simply the shortest passage. मैं आपको एक कुछ recording share करूँगा, जिसमें से आपको इन सारे topics को और detail में करने का मौका मिल जाएगा, अगर आप चाहते हो तो। Okay. Short circuit is an extra thing. आते हैं हमारे course पे power. Okay. तो थोड़ी देर पहले ही हमने ऊपर करा था पावर इज इक्वल्स टू वी आई इंटू आई। कैसे निकाला था हमने पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई? हमने सिंपल कहा था कि पावर इज वर्क डन इन, ठीक है, वर्क डन इन यूनिट टाइम वर्सेस सिंपली वी इंटू क्यू, ठीक है, ये हमने पावर निकाला था। एंड देन हमने हमने पावर की डेफिनेशन अभी हमने जब करी थी वी क्यू बाई टी करा था, वर्क डन वी क्यू था। एक सेकंड अभी रुक आ जाएगा आप। हाँ देखो, तो हमने जब पावर करा था अभी हमने कहा था वर्क डन इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू एंड पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन वाज वी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय टी, वी इंटू क्यू बाय टी, इसलिए वी इंटू आई आया था। तो नाउ वी कैन यूज पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, ठीक है, पी इज इक्वल्स टू वी इंटू आई, या फिर P is equals to resistance की form में V को replace कर दे अगर हम तो I square R, and अगर हम similarly I को replace कर दे तो V square by R, same reason कि क्यों inverse or direct relationship है as in heating effect, and then अच्छा तो इसके बाद watt पे आए, watt पे आए हम power की SI unit। पावर की एस आई यूनिट इज वॉट, एंड वन वॉट इज डिफाइंड एज द, अब ये देख लो पढ़ते हैं, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट, इट इज द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस दैट कैरीज वन एम्पेयर ऑफ करंट एंड ऑपरेट्स ऑन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज डिफाइंड एस आई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, तो वॉट इज इक्वल्स टू वन वोल्ट एम्पेयर, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पेयर नहीं, वन वोल्ट एम्पेयर, ठीक है। इसके बाद हमने करी, ये तो थी एसआई यूनिट,
उसके बाद हमने करा पावर की कमर्शियल यूनिट जो हम जनरली यूज करते हैं. सिंस वन वॉट इज वेरी स्मॉल फॉर पावर तो हम कमर्शियली यूनिट यूज करते हैं वो है किलोवाट. ठीक है, वॉट बहुत छोटा होता है इसलिए हम किलोवाट यूज करते हैं जनरली कमर्शियली. और कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं. द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल देयरफॉर द एक्चुअल इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट. इट इज इक्वल टू 1000 वॉट. सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट. ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. तो अब वो क्या बात कर रहे हैं, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हो. जैसे हीटिंग हमने लिखा, हीटिंग में हमने क्या करा था, P इंटू टी करा था. H में हमने क्या करा था, P इंटू टी. तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करूं, दिस इज ऑल्सो P इंटू टी. कि आया ही इससे था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. ओके, सो हम इसमें अगर कमर्शियल यूनिट डाल दें इनकी, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर अभी हमने देखा किलो वॉट है एंड टाइम की कमर्शियल यूनिट आर है. तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जो हम घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, जो हम यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, अगर आपको पता हो, जो हम यूनिट यूज करते हैं, जो हमारे मीटर में रीडिंग आती है, वो किलो वॉट आर में आती है. हम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयरफॉर वॉट आर. ओके, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कमर्शियल यूनिट क्या है, 1 वॉट आर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वॉट ऑफ पावर इज यूज्ड इन 1 आर. द कमर्शियल यूनिट जो अभी हमने पढ़ा, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आर नोन एज अ यूनिट. तो जो यूनिट आप देखते हो कि हमारा 5000 यूनिट का बिल आया है, 3000 यूनिट का बिल आया, उसका मतलब क्या होता है कि आपने 1 किलोवाट पर आर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करी है. 1 किलोवाट पर आर इज 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड और 3.6 इंटू 10^6 जूल. दिस इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10^6 जूल्स. 1 यूनिट इतनी एनर्जी होता है. ठीक है, आपके हिसाब से ज्यादा की कम है क्या, डिसेंट है, मतलब नॉट ज्यादा. 1 यूनिट तो बहुत कम होता है. Okay. 1 यूनिट तो बहुत ज्यादा नहीं होता. अच्छा, many people think that electrons are consumed in an electric circuit. No, this is not true. This is wrong. We do not think that. We pay electricity board bill company to provide energy to move electrons through the electric gadget and electric bulb, fan and engines. We pay for energy that we use. I hope आप सबको ये बात पता हो. Let's start with a few numericals. So example 12.12. चलो सब ट्राई करो एक बार. आई नो दिस कैन गेट बोरिंग सिंस आप लोग ऑफलाइन लेने की आप लोग को आदत हो गई थी एंड देन इट वाज गेटिंग ऑल इंटरेस्टिंग एंड एवरीथिंग, बट बिलीव मी दिस इज द ओनली थिंग वी कैन डू राइट नाउ एंड आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स इवेंचुअली, बट स्टे विद मी बिकॉज आप जितना बोर हो रहे हो मैं भी उतना ही बोर हो रहा हूँ. सिंस आई हैव आल्सो आई हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग अ लॉट विद यू गाइस गिविंग एग्जांपल्स एंड ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता बिकॉज आई डू नॉट नो How you are understanding, कितना किसको समझ आ रहा है, कौन फोन में देख रहा है, कौन स्क्रीन पे देख रहा है. Sir, done. I have no idea. Please coordinate a little bit more. Done? Okay. Yes, sir. ठीक है, कर ले. Sir, क्या? Next भी कर ले, next भी. Okay, sir.
चलो ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन. सो इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट. ओके, करंट I इज इक्वल्स टू 0.50 एम्पीयर, पावर इज सिंपली V इनटू I, दिस इज इक्वल्स टू 220 इनटू 50 बाय 100, 22 इनटू 5 110, और पावर की SI यूनिट वॉट, 110 वॉट. नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल सर नेक्स्ट मेरा हो गया लेकिन श्योर नहीं हूं क्या है आंसर, कोई नहीं चेक करते हैं. तो 12.13 इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर इज रेटेड 400 वॉट, तो पावर इसकी रेटेड है 400 वॉट एंड ऑपरेट्स 8 आवर अ डे. ठीक है, तो टाइम कितना है 8 आवर्स. ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज और ₹3 पर किलोवाट आवर. ठीक है, तो हम सबसे ये नहीं आया इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है वो देखते हैं. ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 400, ठीक है, इनटू 8. ओके, व्हिच इज कितनी हुई है 400 into 8 is? सर किलोवाट में नहीं कन्वर्ट करेंगे? हाँ करेंगे, पहले ये तो कर दो सर. 3200 जूल्स पहले किलोवाट में कर लो, तो दिस इज 0.4 किलोवाट. करेक्ट, 400 डिवाइडेड बाय 1000 विच इज 0.4 किलोवाट. तो 0.4 इंटू 8, ठीक है, 0.4 इंटू 8 इज बोलो 3.2 किलोवाट, किलोवाट आर. ठीक है, अच्छा अब ये कितने 8 आवर्स अ डे ऑपरेट करता है, कितने दिन के लिए करा है, 30 डेज के लिए. तो 30 डेज में कितनी एनर्जी हुई, टोटल एनर्जी कितनी हुई, टोटल एनर्जी 30 डेज के लिए 30 into 3.2 एंड कॉस्ट कितनी हुई इसकी, कॉस्ट हुई इंटू 3. ठीक है, तो दिस इज 90 into 3.2 और कितनी सर ये नहीं आया क्या सर, मैं एक मिनट सॉल्व करके बताता हूँ. ₹288 चेक करें, तो बिल्कुल सही. ठीक है सर, इनका ये क्या आ रहा है, एक सेकंड. अच्छा इन्होंने टोटल एक साथ निकाल दिया 96. यस सर, ठीक है, किसी और ने मैसेज में लिखा. ओके तन्मय, वेरी गुड, सही है. चलो ठीक है, नेक्स्ट दो क्वेश्चंस भी करते हैं, ट्राई करो सब एक बार. दोनों क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, टेक 2 मिनट्स. सर वन का आंसर बताऊं? एक बार दोनों डिस्कस करेंगे. सर सेकंड में आर को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा ना? क्या या बोला कि क्या पूछा, क्या पूछा मैंने क्या? अच्छा क्या सर, आर जो आर है 2 आवर, तो हमें उसे सेकंड्स में चेंज करना है ना? एनर्जी कंज्यूम निकाल लिया ना, नहीं सेकंड्स में मत कन्वर्ट करो, इनफैक्ट पावर को किलोवाट आवर में निकालना.
पावर को किलोवाट में निकालना है एंड देन आर को आर में ही रहने दो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। यस ओके चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच द एनर्जी इज डिलीवर्ड इन अ बाय करंट पावर 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 ऑफ द बस एनीवेज टेक्स देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में हमें करंट दे रखा है I इज इक्वल्स टू 5 एम्पीयर, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट, पावर हमें पता है इक्वल्स टू वी इनटू आई, वी इनटू आई दिस 220 इनटू 5 व्हिच इज इक्वल्स टू 1100 वाट। 1100 वाट है, अगर इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होगा 1100 1.1 किलोवाट, सो दिस इज 1.1 किलोवाट। नाउ हमें पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने के लिए हमें पावर इनटू टाइम कर, पावर इनटू वन इनटू टाइम कितना गिवन है हमें, टाइम इज 2 आर, 1.1 इनटू 2 व्हिच इज 2.2 किलोवाट आर। ओके दिस इज 2.2 किलोवाट व्हाट आर, ये आपका आंसर है। क्लियर है सबको? यस सर। एक डाउट है, पूछो सर, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है सर। जो ट्यूबलाइट होती हैं उसमें जो आप गैस बता रहे थे नाइट्रोजन आर्गन, तो सर ट्यूबलाइट में भी तो होती है, ट्यूबलाइट में प्लाज्मा होता है। हाँ वही वही पूछना, ट्यूबलाइट में प्लाज्मा होता है सर, तो प्लाज्मा बेसिकली है क्या? प्लाज्मा इज द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, चार्ज पार्टिकल होते हैं, आयनाइज्ड होता है वो, आपको पानी दूं और गैस दूं और आप बोलो दोनों फ्लो तो करते हैं सर, तो मतलब सेम तो नहीं हो गए ना फ्लो करने से, इट्स अ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। मतलब नहीं रख सकते थे उसका प्लाज्मा रखना, जरूरी था, बच्चों कंफ्यूज कर रहे हैं ना, मतलब ठीक है कोई नहीं, एनीवेज कोई बात नहीं।